नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पेंडू जट। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पेटीएम की फेक केवाईसी सिर्फ 5 मिनट में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है और साथ ही साथ ये बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो आपका फ्रेश अकाउंट है उस पर आपने लॉगिन कर लेना है। मैंने लॉगिन ऑलरेडी कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, मेरा ये फ्रेश अकाउंट है। अब इसकी मैं केवाईसी करूँगा। ये देखें, जब आप पासबुक खोलेंगे तो आपके पास ये प्रूफ पूछेगा। तो मैं पैन कार्ड यूज़ कर लेता हूँ, आप भी पैन कार्ड यूज़ करें। उसके बाद ये डिटेल मांगेगा, पैन नंबर, आप कोई सा भी पैन नंबर डाल दें। और उसके बाद आपने यहाँ पर नेम डाल देना है। इसको करने के बाद यहाँ पर ओके कंफर्म कर देना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। अगर बोल रहे हैं वैलिडिटी वैलिड नहीं है तो मैं इसका एक आधा लेटर चेंज कर देता हूँ। सॉरी, अभी ये देखें दोस्तों, हमारा जो केवाईसी डन हो चुका है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये देखें, ये आपकी अटेम्प्ट बन गई केवाईसी, आपका 10 फरवरी 2020 तक हो चुका है। तो दोस्तों, ये बहुत आसान तरीका है अगर आप पेटीएम का केवाईसी करना चाहते हैं तो। अगर फ्रेश अकाउंट पे कई बार ऐसा होता है आपके पास प्रूफ नहीं होता, तो ये बहुत ही सॉलिड आइडिया है। आप अपने जो आपका पेटीएम वॉलेट है उसे इजी एक्सेस कर सकते हैं, उसमें पेमेंट ऐड कर सकते हैं और रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।